क्या राहुल गांधी के सर पर सजने वाला है सहरा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी से शादी को तैयार है शर्लिन चोपड़ा। कांग्रेस नेता को माननी होगी हीरोइन की एक शर्त, शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलेंगी शर्लिन चोपड़ा। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कुछ समय पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शादी करने की सलाह दी। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने कांग्रेस नेता से ये बात कही थी। बाद में जब सोनिया गांधी ने हरियाणा के महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की, तब भी उनकी शादी की चर्चा हुई। उस समय सोनिया ने महिलाओं से कहा कि वे लोग लड़की खोज दें तो वो उनकी शादी करवा देंगी। अब लग रहा है कि राहुल गांधी की शादी का सपना सच होने वाला है। अपने बयानों में अक्सर चर्चा में रहने वाली हीरोइन शर्लिन चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से शादी करने को लेकर सवाल पूछ रही है। जवाब में वो अपनी रजामंदी जताती है, लेकिन शादी के साथ एक शर्त भी रखती है। इसके मुताबिक वो शादी के बाद भी अपना सरनेम नहीं बदलेंगी। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शर्लिन चोपड़ा फैंस से घिरी हुई हैं। इसी दौरान एक पैपरौजी उनसे पूछते हैं, आप राहुल गांधी से शादी करना चाहेंगी? उसके जवाब में शर्लिन कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि शादी के बाद मेरा सरनेम चोपड़ा ही रहे। ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुई जब कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। आपको बता दें, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान को लेकर गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई। वे केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। बताते चले कि पिछले साल बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद खान के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर शर्लिन चोपड़ा चर्चा में थी। बिग बॉस 16 में साजिद खान को प्रतिभागी के तौर पर शामिल करने पर कनिष्का सोनी, शर्लिन चोपड़ा और मंदाना करीमी जैसे अभिनेत्रियों ने नाराजगी जताई थी। इन अभिनेत्रियों के मीटू कैंपेन के दौरान साजिद खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। साजिद खान के खिलाफ शिकायतकर्ता दर्ज करने के बाद शर्लिन चोपड़ा ने कहा था, मैंने हाल ही में मीटू के आरोपी साजिद खान के खिलाफ यौन शोषण और धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस दौरान पुलिस ने उनके इस मामले में पूछताछ की थी। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।